बाप रे दोस्तों, तेल में बनाती हूँ कैरी, बच्चों को ऐसी काम नहीं। सॉरी बोलो इधर दादी से। पहाड़ी लोग अक्सर पहले नमकीन खाते थे तो दाल मुठ के ही नाम से जानते थे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किचन शो में। तो दोस्तों आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ चटपटा बनाया जाए, तो दोस्तों मैं लेके आई हूँ चने की दाल की नमकीन। मैंने सोचा क्यों ना चाय के साथ बनाया जाए इसको। तो देखिए चने की दाल है, तो ये लीजिए, ये है चने की दाल दली हुई। तो मैं इसको 7 घंटे के लिए भिगो देती हूँ पानी में, चाहे धूप में रखो चाहे अंदर रखो, आराम से भीग जाएगी। तो देखिए दोस्तों चने हमारे भीग चुके हैं, 6 घंटे हो गए हैं। आजकल गर्मी है, जल्दी भीग जा रहे हैं, ठंडों में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। अब मैं इनको मसल के धो दूँगी, और हमने 3-4 पानी धोना है। जो हमने ये पीला पानी है इसको बिल्कुल साफ पानी बनाना है। तो मैंने टप ले रखा है, इसमें डाल देती हूँ गंदा पानी। इस पानी को आप पेड़ों में डाल सकते हो, गमलों में, पानी को फेंकना नहीं। 2-3 पानी और धोती हूँ दोस्तों। गर्मी में जल्दी दाल भीग जाती है, गर्मी में तो पता ही नहीं चलता है। तो देखिए दोस्तों इतना साफ पानी चाहिए, और हमारी दाल इतनी अच्छी भीग चुकी है, देखिए एकदम फूट जा रही है। तो दोस्तों इसका पानी भी फेंक देती हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने कपड़ा ले रखा है साफ, इसमें मैं फैलाऊंगी। तो ऐसे करके हम फैला देंगे, ज़्यादा इसको सुखाना नहीं है, सिर्फ हमने पानी ही सुखाना है दोस्तों। इसका पानी सूख जाएगा फिर हम इसको बर्तन में लौट देंगे। तो दोस्तों चने की दाल सूख चुकी है, देखिए। ज़्यादा मैंने इसको धूप में नहीं सुखाना था, ठंडे ठंडे में ही। तो इसका जो अंदर से है वो सही है, बाहर का मॉइस्चर इसका सूख गया है। तो थोड़ा सा और पोंछ लूँगी जो बचा होगा। तो इस तरीके से हमने कपड़े से रगड़ रगड़ के इसको ऐसे पोंछना है। ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं है दोस्तों, ये देखिए बरबरी हो रही है। तो मैं इसको अब बर्तन में रख लूँगी। तो दोस्तों हम बनाते हैं नमकीन, उसके लिए हम आग जलाएंगे। सबसे पहले आग की ही ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने लकड़ियाँ ले रखी हैं दोस्तों। ये बक्कल वाली लकड़ी है, फटाफट जल जाती है। और ले रखी है मैंने पन्नी, फटाफट जला लेंगे आग। पन्नियों से दोस्तों बहुत जल्दी आग जलती है, लेकिन हाथ बचा के, कभी हाथों में चिपक भी जाती है। तो दोस्तों हम कढ़ाई चढ़ा लेते हैं चूल्हे में, कढ़ाई गर्म होती है तो हम इसमें तेल डाल देंगे। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, रिफाइंड डालेंगे इसमें, जितना डालेंगे जो हम नमकीन को तलेंगे। तो दोस्तों मेरी पोती भी आ गई है, सो के उठ गई, तैयार होके आ गई है। तो कह रही है क्या बना रहे हो, चलो हाय करो उधर, हेलो। आज कोई मतलब नहीं हो रहा, ना टमाटर है ना कुछ है, चले गई। तो दोस्तों मैंने 1-2 दाने इसमें डाल लिए हैं, देखिए तेल गर्म हो गया है, बबूल हो रहे हैं इसमें। तो मैं तल लेती हूँ अब चनों को। तो मैंने सोचा क्यों ना ये छन्नी है, इस तरीके से रखूँगी मैं, देखिए, और धीरे धीरे करके तेल में डालूँगी। तो हम इनको सब तेल में डाल देते हैं, देखिए। जब थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर होता है तो ऐसे गाज नहीं आता है, तो अभी ये गाज बैठ जाएगा और चने की दाल ऊपर आ जाएगी। तो हम इसको हिलाएंगे दोस्तों ऐसे करके। तो नमकीन बनाने का तरीका ये है दोस्तों, कभी भी आप ज़रूर घर पे बनाओगे तो इसी तरीके से बनाना, बहुत अच्छी नमकीन होती है। आप इसको 2-4 महीने के लिए भी रख सकते हो डब्बे में, ख़राब नहीं होती है। तो देखिए नमकीन तैयार हो गई है, ऊपर से आने लग गई है। तो जब ऊपर से आ जाती है तो दोस्तों फ्राई हो जाती है नमकीन, सब आ जाएगी अभी, फिर हम इसको निकाल लेंगे।
तो देखिए ये एक एक करके ऊपर से आ रही है, तो समझो हमारी नमकीन तैयार हो गई है। तो थोड़ा सा एक दाना देख लेते हैं। तो दोस्तों करारी हो गई है, इसको अब हम निकाल देंगे, ज़्यादा करेंगे तो जल जाएगा। तो छन्नी मेरे पास ऐसी है तो मैं इसी से निकाल रही हूँ। तो देखिए कितनी बढ़िया नमकीन तैयार हो रही है। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में इसको दाल मूट भी कहते हैं, दाल मूट। पहाड़ी लोग अक्सर पहले नमकीन खाते थे तो दाल मूट के ही नाम से जानते थे दोस्तों। और डाल देंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसको। एक बार मैंने छन्नी से डाला था और एक बार इस तरीके से डालती हूँ। तो इनको भी हम फटाफट भून लेंगे। तो देखिए दोस्तों सब नमकीन ऊपर आ गई है, एक नीचे नहीं बैठी है, तो समझो तैयार हो गई हमारी नमकीन। तो इसको भी निकाल दूंगी दोस्तों। तो दोस्तों नमकीन हमारी तैयार हो चुकी है, देखिए तली है और आवाज़ सुनिए क्या गजब आवाज़ आ रही है। तो अब हम इसमें मिलाने वाले हैं मसाले। तो देखिए दोस्तों हमने ये बना रखा है मसाला, इसमें चाट मसाला भी है, काली मिर्ची भी है, हींग भी है और जीरा है। तो मैंने दोस्तों ये भून के बना रखा है। आपको अगर इसकी वीडियो चाहिए होगी तो मुझे लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। तो एक चम्मच मैंने मसाला डाल दिया है। अब नमक डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा, क्योंकि नमकीन थोड़ा ही बना रखी है मैंने, और थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। गरम है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा हल्दी मिला रहे हैं और थोड़ा सा दोस्तों गरम मसाला, इतना ही। अब हम इसको खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरीके से खूब मिला लेती हूँ इनको, क्योंकि गरम गरम में ही ये मिलाने पड़ते हैं, ठंडे हो जाएगा तो मसाला थोड़ा इसमें जो गरम होती है तो पका देता है इसको। तो देखिए क्या लाजवाब नमकीन बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों चने की नमकीन का स्वाद बढ़ाने के लिए एक चीज़ और डालूंगी इसमें, काला नमक। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। थोड़ा सा मैंने काला नमक भी डाल दिया, इसको भी अच्छे से मिला लूँगी। तो दोस्तों अच्छे से मिक्स हो गई है, अब आपको दिखाती हूँ मैं। तो लीजिए दोस्तों चने की नमकीन रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। फिर दोस्तों फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।